हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 डॉग ब्रीड्स दैट यू शुड नेवर मेस विद। वो कौन सी ऐसी डॉग ब्रीड्स हैं जिनसे आपको बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर आप इन डॉग ब्रीड से पंगा लोगे तो ये 2 मिनट में आपको बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं, दे कैन ईजिली पुट यू इनटू ट्रबल। तो वो कौन सी ऐसी डॉग ब्रीड्स हैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस जो नंबर 5 है डॉग ब्रीड है दैट इज अमेरिकन पिटबुल। एज वी ऑल नो, शुरू से ही पिटबुल की इंसानों के साथ रेपुटेशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, रेपुटेशन इनकी बैड ही रही है। ह्यूमंस पे अटैक करने के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं इन द पास्ट, सो इसलिए पिटबुल से लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। और पिटबुल नो डाउट है कि एग्रेसिव डॉग ब्रीड है। अगर आप इनसे ज़्यादा पंगे लोगे या आप इस डॉग ब्रीड को तंग करने की कोशिश करोगे तो पिटबुल कैन ईजिली अटैक यू और आपको बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं। सो अगर आपने पिटबुल रखा हुआ है और शुरू से रखा है देन इट्स परफेक्ट फॉर यू। लेकिन अगर आप किसी दोस्त के घर पे जाते हो और उस पिटबुल को छेड़ने की या उसको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करते हो तो पिटबुल आपको 2 मिनट में बहुत मुश्किल में डाल सकता है। सो दिस इज़ द रीज़न पिटबुल इज़ ऑन नंबर 5। सो गाइस नंबर 4 पे डॉग ब्रीड दैट इज़ डॉगो अर्जेंटिनो। डॉगो अर्जेंटिनो ऑलमोस्ट पिटबुल के भाई कजन्स ही माने जाते हैं, लेकिन ये एक मीडियम से लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड है जिसकी वजह से पिटबुल से थोड़ा सा डिफरेंट लगते हैं बिकॉज इनकी हाइट, इनका बॉडी स्ट्रक्चर पिटबुल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। डॉगो अर्जेंटिनो एक बहुत अच्छे गार्ड डॉग, वेरी परफेक्ट फैमिली कंपेनियन, लेकिन अगर इनको कोई भी तंग करने की कोशिश करे या इनसे कोई भी पंगा लेने की कोशिश करे, डॉगो अर्जेंटिनो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं इस मामले के अंदर एंड दे कैन ईजिली अटैक यू या आप पे अटैक कर सकते हैं और आपको काफ़ी मुश्किल में डाल सकते हैं ईजिली। सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे सेफ, डॉगो अर्जेंटिनो से कभी भी मेस मत करना, दे कैन ईजिली पुट यू इन टू ट्रबल। दिस इज़ द रीज़न डॉगो अर्जेंटिनो इज़ ऑन नंबर 4। सो गाइज नंबर 3 पे डॉग ब्रीड है दैट इज़ बैंड डॉग। बैंड डॉग एक दिखने में बहुत ज़्यादा हॉरर डॉग ब्रीड है और नो डाउट ये सिर्फ दिखते ही ऐसे नहीं है, इनका नेचर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बैंड डॉग सिर्फ एक सिंगल ओनर के साथ रह सकते हैं जिन्होंने इनको बचपन से रखा हो और जिनके साथ ये सोशलाइज हो। किसी भी स्ट्रेंजर के साथ आप बैंड डॉग को नहीं छोड़ सकते क्योंकि दे कैन ईजिली अटैक दैट स्ट्रेंजर और वो स्ट्रेंजर काफ़ी मुश्किल में पड़ सकता है अगर बैंड डॉग उसको नहीं पहचानता और उसको इस चीज़ का पता हो कि इसका मेरे मालिक से कोई लेना देना नहीं है, तो वो 2 मिनट में उस बंदे पे अटैक कर सकता है। बैंड डॉग्स आर वेरी अग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू गार्डिंग और प्रोटेक्शन। सो कभी भी बैंड डॉग के होते हुए उनकी टेरिटरी में मत घुसना, उनके साथ मेस करने की कोशिश मत करना, आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे बिकॉज बैंड डॉग्स को स्ट्रेंजर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिस इज द रीज़न बैंड डॉग इज़ ऑन नंबर 3। सो गाइस जो नंबर 2 पे डॉग ब्रीड दैट इज़ वुल्फ डॉग। वुल्फ डॉग को काफ़ी लोग घरों में रखना चाहते हैं और काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि डोमेस्टिक डॉग्स की तरह ही वुल्फ डॉग हमारे साथ रहे, बट दिस इज़ टोटली नॉट पॉसिबल क्योंकि वुल्फ डॉग एक डोमेस्टिक डॉग और एक वुल्फ के क्रॉस करवाने के बाद इस डॉग ब्रीड को ब्रीड कराया गया है। और जो रिसर्च के हिसाब से चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि वुल्फ डॉग का बिहेवियर ऑलमोस्ट वुल्फ की तरह ही होता है, दे डू नॉट एक्ट लाइक डोमेस्टिक डॉग, डोमेस्टिक डॉग्स की तरह उनका बिल्कुल बिहेवियर नहीं है। वो किसी भी टाइम उनका मूड चेंज हो जाता है, किसी भी टाइम वो अटैक कर सकते हैं, मूडी होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर उनका मालिक भी उनके सामने जाए तो वो उस पर अटैक कर सकते हैं। सो इसलिए वुल्फ डॉग बिल्कुल भी, आई नेवर रिकमेंड किसी को भी कि वो वुल्फ डॉग रखो क्योंकि वुल्फ डॉग काफ़ी डेंजर होता है, ऑलमोस्ट वुल्फ की तरह ही दिखता है। सो कभी भी आपको वुल्फ डॉग कहीं पर भी नज़र आए तो नेवर मेस विद दैट डॉग क्योंकि वो डॉग आपको इजीली मुश्किल में डाल सकता है। दिस इज द रीजन वुल्फ डॉग इज ऑन नंबर 2। सो गाइस जो नंबर 1 पे डॉग ब्रीड दैट इज बोरबॉइल। बोरबॉइल जिसको डॉग्स में बॉडी बिल्डर भी माना जाता है, बोरबॉइल एक मस्क्यूलर डॉग ब्रीड है, वेरी मस्क्यूलर, वेरी स्ट्रांग। और ये साउथ अफ्रीका में फार्म्स के अंदर फार्मर्स इनको रखते हैं अपने फार्म्स में अपनी भेड़ बकरियों को बचाने के लिए बड़े बड़े खतरनाक प्रेडेटर्स के साथ। सो गार्डिंग और सिक्योरिटी को लेके तो ये इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि अगर आप इनकी टेरिटरी में घुस जाओ तो ये आपको लिटाने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। दे आर दैट मच स्ट्रांग, इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि इंसान को ईजिली लिटा सकते हैं ज़मीन पर। बोरबॉइल कैन ईजिली अटैक यू। और ये भी कहा जाता है कि बोरबॉइल एक जंगली वुल्फ के साथ भी आराम से लड़ सकता है और एक जंगली भालू के साथ भी लड़ सकता है। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि इंसान इस चीज़ के सामने क्या करेगा जिसके सामने जंगल के खतरनाक जो प्रेडिटर्स हैं उनके लिए इस डॉग ब्रीड को रखा जाता है। सो नाउ यू कैन इमेजिन हाउ डेंजरस दे आर। सो नेवर मेस विद बोरबॉइल इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे सेफ। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।